मैकडी जैसा फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए ना दो चीज़ बहुत ज़रूरी है जिस पे ना बहुत लोग ध्यान नहीं देते। पहली गलती लोग ये करते हैं कि आलू चाहे तो मोटा काट देंगे चाहे तो पतला। एक बार पतला चल जाएगा लेकिन मोटा मत काटना, क्योंकि मोटे फ्रेंच फ्राइज कभी क्रिस्पी नहीं होते। और दूसरी गलती लोग आलू को फ्राई करते टाइम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि आलू को काट के उबलते पानी में 3 से 4 मिनट के लिए डाल दिया है। फिर उबलते पानी से आलू निकाल कर सुखा देंगे और सीधा डाल देंगे तेल में। पर आलू को किसी सूखे कपड़े या टिश्यू से ना सुखाना जरूर, वरना गर्म तेल में जाने के बाद तेल फटने लगेंगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए ना आलू को मैं 2 बार फ्राई कर रहा हूँ। 2 बार फ्राई करने से ना फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बनते हैं। और जैसे ही हल्का सा लाल रंग आ जाए इस तरह, इसे निकाल कर हम इस पे डाल देंगे चाट मसाला या पेरी पेरी मसाला। फिर टमाटो केचप के साथ इसे सर्व कर लेंगे।